हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। खास करके विंटर में इसे बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत शौक से बनाया भी जाता है। आज मैं आलू की सूखी सब्जी लेकर आई हूँ जिसमें हरे मटर को ऐड किया है। तो चलिए चलते हैं किचन में और इसे बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसकी जगह पे आप रिफाइन ऑयल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने ग्रीन चिली को नहीं ऐड किया, इसमें 4 से 5 मैंने रेड चिली को यूज़ किया है। मेरी चिली थोड़ा तीखी नहीं है इसलिए मैंने 4 पीस लिया। अगर आप तीखी चिली को यूज़ कर रहे हैं तो कम यूज़ करें। इसमें चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज का ऑनियन मैंने ऐड किया है जो कि पहले से चॉप करके रख लिया था। रेड चिली हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे और ऑनियन को हम अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं बराबर से चलाते हुए ऑनियन को भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें से आधे ऑनियन को मैं बाहर निकाल ले रही। आप देख सकते हैं इसके ऑयल को हल्का सा दबा के हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद से ऑनियन को हम बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो पूरे ऑनियन को भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ हाफ निकाला हुआ है। इसमें चॉप किया हुआ आलू को ऐड कर देंगे जो कि मैंने पहले से पतले स्लाइस में चॉप करके रख लिया है। आप देख सकते हैं आलू को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस आलू को मैंने 5 से 6 पीस लिया था जो कि छोटे साइज में था। आप चाहें तो अपने सब्जी के मुताबिक आलू को चॉप कर सकते हैं, मैंने पतले स्लाइस में चॉप किया हुआ है। फ्रेंड्स, विंटर आते ही हरे मटर मिलने लगते हैं जो कि बहुत फ्रेश होते हैं और हर घर में इसे बहुत शौक से भी खाया जाता है। जिस सब्जी में ऐड करके बनाओ सब्जी की शान बढ़ जाती है। इसमें मैंने भी हरे मटर को ऐड किया है। ड्राई सब्जी में अगर हरे मटर को ऐड करके बनाइए तो बहुत यमी बनती है। मैंने भी ड्राई भाजी में हरे मटर को ऐड किया है। ये 200 ग्राम है। आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले से वाश करके रख लिया था। इसमें मैंने इसे ऐड कर दिया। इसे भी बराबर से मिक्स करेंगे और सब्जी को हम लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि ड्राई सब्जी लो फ्लेम पे बनती है तो बहुत परफेक्ट तरीके से कुक होती है। इसे क्लोज लिड के साथ मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने ऑनियन और रेड चिली को जो फ्राई करके निकाला था इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक को ऐड किया है और इसे हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से मेस कर लेंगे। अगर आपको हाथ से मेस करने में प्रॉब्लम होती है तो इसे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा सा मेस कर लेना। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मेस हो चुका है। मैं इसे सब्जी में ऐड कर दे रही। सब्जी को 2 मिनट से मैंने क्लोज लिड में रखा था। आप देख सकते हैं इसमें अब मैं मेस किया हुआ ऑनियन ऐड कर दे रही। इससे ये भाजी बहुत परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगी और बहुत टेस्टी बनेगी। ड्राई भाजी हम सबके घर में बनती है। क्या इस ट्रिक के साथ कभी आपने ड्राई भाजी को बनाया है? अगर नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर बनाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आज की मेरी ये ड्राई भाजी सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को पुश करके ऑल पे कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन की पत्तियाँ और कोरिएंडर जो कि बहुत फ्रेश है। इसे मैं बारीक चॉप करके रख ले रही और इसमें ऐड करूँगी। बहुत इससे सुपर टेस्टी ये सब्जी बनेगी और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। एक बार सब्जी को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। इसमें फ्रेश कोरिएंडर और जो लहसुन की पत्तियों को मैंने चॉप करके रखा था इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये आलू के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाए और इसका फ्लेवर आलू में अच्छे से आए। इसे लो फ्लेम पे मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं ड्राई भाजी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो रही है। इसे क्लोज लिड के साथ कुक करना है। विंटर में जो नए आलू आते हैं वह गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो अगर हम इसे क्लोज लिड के साथ बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट तरीके से ये गल भी जाएगा और ड्राई भाजी भी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। ये बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है और हर घर में ये बहुत शौक से खाई भी जाती है। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं क्योंकि ये तीखा नहीं होता है। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये बातों बातों में बन जाने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स, मैं इसे प्लेटिंग करके आपको दिखा रही कि आज की मेरी रेसिपी कैसी बनी है। आप देख सकते हैं इसे मैंने प्लेटिंग कर दिया है। बहुत टेस्टी बनी है। चपाती के साथ तो ये बहुत ही यम्मी लगती है। अगर आपके पास भी टाइम बहुत कम है और बहुत अच्छी सी सब्जी आप बना के खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही यम्मी बनती है और झटपट से बिल्कुल बन जाती है। फ्रेंड्स, आज की मेरी ये ड्राई हरे मटर की सब्जी कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।